हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में सरफास क्रीम के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। सरफास क्रीम का मुख्य तो उपयोग फंगल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस क्रीम के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये क्रीम कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस क्रीम के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस क्रीम से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 15 ग्राम की क्रीम आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 45 रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। सरफास क्रीम में कोट्रिमेजोल IP 1%, मेथिल पैराबेन IP 0.15%, प्रोपेल पैराबेन IP 0.10% यह कंटेंट समझते है। इसमें मौजूद कोट्रिमेजोल यह ड्रग एंटी फंगल ड्रग के क्लास में आता है। ये बॉडी में मौजूद फंगस को प्रोटिक लेयर बनाने से रोकता है और उन्हें बढ़ने से भी रोकने का काम करता है। बात करते हैं इस क्रीम के यूजेस के बारे में, डॉक्टर से किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस क्रीम का मुख्य तो उपयोग डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए यूज करते हैं। फंगल इन्फेक्शन होना एक आम बात होती है। मनुष्य में फंगल इन्फेक्शन तब होता है जब बॉडी में किसी हिस्से में फंगस लग जाती है और यह इतनी बढ़ जाती है कि हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाता है। तब डॉक्टर इस क्रीम का इस्तेमाल उस समस्या को दूर करने के लिए यूज करते हैं। इसे कैंडिडा इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। कैंडिडा इन्फेक्शन को ईस्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। कैंडिडा एक प्रकार का फंगस होता है जो स्किन में किसी भी जगह पर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। कैंडिडा इन्फेक्शन आपके खून से शरीर में अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। इसे एथलीट फुट की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। एथलीट फुट एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो आमतौर पर पैरों की उंगलियों के बीच में होता है। यह आमतौर पर उन लोगों को ज्यादा होता है जिनके पैर फिटिंग जूतों में ज्यादा रहते हो और उनको पसीना ज्यादा आता हो। इसे दांत खाज खुजली की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस क्रीम का इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। यदि आपकी स्किन में कोई कट या खरोज लगी हो तो आपको इससे स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। जब आपकी त्वचा इन्फेक्टेड होती है तब आपको त्वचा में जलन, लालिमा, खुजली या फिर पस निकलना आदि जैसे लक्षण होते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। इसे जांग पर खुजली आने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। जांग पर खुजली आने की समस्या एक फंगल इन्फेक्शन है जो आपके जनांग, जांगों के अंदर वाले हिस्से में या फिर सीट में हो सकता है। बॉडी के ये हिस्से ढके हुए रहते हैं जिससे इनमें पसीना आता है। फंगस से यह खुजलीदार लाल चटकते जो गोल आकार के भी हो सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। इसे नाभि में इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के लक्षणों के बारे में। फंगल इन्फेक्शन के लक्षण स्किन लाल होना, स्किन में दरारें होना, स्किन का कुछ हिस्सा सफेद व नरम होना, फंगल इन्फेक्शन वाली जगह पर पस के साथ दाने होना, इन्फेक्शन वाली स्किन से सफेद पाउडर की तरह पदार्थ निकलना, यह कुछ फंगल इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। बात करते हैं इस क्रीम को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस क्रीम का इस्तेमाल करने का तरीका अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखे दोस्तों, इस क्रीम का इस्तेमाल करने का तरीका आपकी समस्या पर निर्धारित रहता है। आप अपने डॉक्टर की सलाह से इस क्रीम को इन्फेक्शन वाली जगह पर थोड़ी सी मात्रा में लेकर दिन में 1 से 2 बार या फिर रात को सोते समय लगा सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस क्रीम के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस क्रीम में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस क्रीम के इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, रैशेस होना, एलर्जी, जलन, स्किन लाल होना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस क्रीम को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस क्रीम के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस क्रीम में मौजूद कंटेंट से एलर्जी, तो आप इस क्रीम का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य क्रीम या ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दे। इस वजह से इस क्रीम का ड्रग इंट्रैक्शन होने की संभावना कम होती है।
अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई अन्य प्रॉब्लम हो या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस क्रीम का इस्तेमाल हमेशा त्वचा साफ करके ही यूज करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।